वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये हमने जीरो से एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। ये हमने दो रंग में बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊन लेंगे और इसमें हम इस तरह से एक नॉट बनाएंगे। अब इसमें हम चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। इस तरह से हमने इसमें 12 चैन बनाकर तैयार किए। इसके बाद हम तीन चैन और बनाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन छोड़ेंगे और चौथे वाले में डालेंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में डालेंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर तीन चैन छोड़े थे और चौथे में डाला था, तो इसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास तीन डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। इस रो में हम यहाँ तक बनाकर तैयार करते हैं। हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने ये रो बनाकर तैयार कर लिए। अब इसमें हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद इसमें हम नेक्स्ट में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। इसी में हम एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में डालेंगे, दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने तीन चैन लिए, इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो इसमें पहले वाले में हम एक डबल क्रोशिया और ये लास्ट वाले में बनाएंगे हम, यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये सारे डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमारी ये रो बनकर भी तैयार हो गई है। सब में हमने दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए बनाया है और ये हमारा लास्ट वाला है, इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम तीन चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और नेक्स्ट में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में डालेंगे, एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। ये हमारे पास चार डबल क्रोशिया ये हमने बनाकर तैयार किए हैं और ये हमारे टोटल 26 डबल क्रोशिया हैं। तो इसमें हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे, बाजू के लिए छोड़ेंगे हम यहाँ पे। चार डबल क्रोशिया बनाए हमने ये आगे वाले पार्ट के लिए। तो इसमें हम एक दो तीन चार पाँच, पाँच छोड़ने के बाद हम इसमें छठवें वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने चार बनाए हैं, इस तरह से आएगा ये। चार हम यहाँ बनाएंगे और चार हम यहाँ पे बनाएंगे, तो आठ हमारे ये हो गए। तो आठ ही हम बैक के लिए बनाएंगे और पाँच पाँच हम यहाँ पर बाजुओं के लिए छोड़ेंगे।
तो इसको बनाकर दिखाते हैं। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, और एक आठ। दो चार छः आठ, ये हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद हम इस तरह से बाजू के लिए छोड़ेंगे। एक दो तीन चार पांच छोड़ेंगे और इसमें छठवें वाले में डालेंगे इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में डालेंगे एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, और ये हमारा लास्ट है। इसमें डालेंगे ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इसमें यहाँ डालेंगे। तीन चेन लेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे हम इस रो में, और इसको ये हमारे बाजू हो गए, और ये इसमें हम यहाँ तक डबल क्रोशिया करते हुए बनाकर तैयार करते हैं। हमने इसको यहाँ तक बनाकर तैयार किया है। अब इसमें हम ये तीन चैन लिए थे, एक दो और ये तीसरे वाले में डालेंगे स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह से जॉइन करेंगे। एक चैन लेकर इस धागे को हम कट कर देंगे। धागे को हमने कट कर दिया है, और इसी के साथ ये हमारी चोली बनकर तैयार है। अब हम इसमें इसका घेरा बनाएंगे। तो हम इसमें ये बाजू के नीचे से यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, और इसमें इस तरह से एक नॉट बनाएंगे, और इसको हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेकर वापस इसी में डालेंगे हम, और एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसको हम दो डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। नेक्स्ट में डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया। इस रो को हम यहाँ तक बनाकर तैयार करेंगे। इस पूरी रो में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए तैयार करेंगे। हर एक चैन में हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी रो बनकर तैयार है। इसमें हम एक दो तीसरे वाले में डालेंगे, और स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से निकालेंगे। फिर हम इसमें तीन चैन लेंगे, और नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया करेंगे,
इसी में हम डालेंगे, एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में डालेंगे दो डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे इस रो को। एक में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और दूसरे में हम दो बार डबल क्रोशिया, इसमें हम एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में डालेंगे दूसरे वाले में उसमें हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, इस रो को बनाकर तैयार करते हैं ऐसे ही, एक बार डबल क्रोशिया नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया। ये रो भी हमारी बनकर तैयार है, इसमें डालेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से इसमें हम ज्वाइन कर देंगे, तीन चैन लेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया। ये हमारे एक में एक बार और दूसरे में दो बार, एक में एक बार और दूसरे में हमने एक बार और तीसरे वाले में हम दो बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डालेंगे एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया। पहले हमने एक को छोड़कर दूसरे में बनाया था दो बार, इस बार हम दो को छोड़कर तीसरे में बनाएंगे दो बार, दो में हम एक एक बार और तीसरे वाले में दो बार, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया और इसमें नेक्स्ट में डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया। इस रो को भी हम ऐसे ही बनाकर तैयार करते हैं। हमारी ये रो भी बनकर तैयार हो गई है, इसमें डालेंगे हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और एक चैन लेकर धागे को हम कट कर देंगे। अब इसमें हम दूसरे रंग का ऊन लेंगे, इस तरह से नॉट बनाएंगे, और इसमें हम यहाँ से डालेंगे और इसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इसमें हम चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें हमने सात चैन बनाए, एक और दो छोड़ेंगे और इसमें तीसरे वाले में डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से ये तीन चैन हमारे एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और चार चैन हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो इसमें हम चार चैन बनाएंगे एक दो तीन चार, चार चैन बनाने के बाद एक और दो छोड़ेंगे और इसमें तीसरे वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में एक दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद इसमें नेक्स्ट में डालेंगे एक और दो छोड़ेंगे तीसरे वाले में डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद एक और दो तीसरे वाले में डालेंगे डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से इस रो को हम
बनाकर तैयार करते हैं। ये हमारी रो बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम ज्वाइन करेंगे एक दो, और इसमें तीसरे वाले में डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा इतना बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये फ्लावर बनाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं देखते हैं। इसमें हमने एक चैन लिया, दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद इसमें हम यहाँ पर डालेंगे इसको, हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब इसमें हम एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और इसको हम इस तरह से उल्टा घुमाएंगे। अभी हमने अभी चार चैन बनाए थे, इसमें डालेंगे हम एक डबल क्रोशिया, हम इसको काउंट करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास दो डबल क्रोशिया हो गए, तीन, चार, इसको भी काउंट करेंगे तो हमारे पास पांच डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको हम फिर से इस तरह से घुमाएंगे, सीधा करेंगे हम और इसमें डालेंगे यहाँ पर, इसमें डालेंगे, इसमें इस तरह से, इसमें हम पांच डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से अब इसको हम यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था इसमें डालेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारा एक फ्लावर बनकर तैयार है। अब इसमें हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद इसमें डालेंगे हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद इसको हम इस तरह से उल्टा घुमाएंगे और इसमें हम चार बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार, और एक ये हो गया हमारा, तो हमारे पास पांच डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको हम इस तरह से सीधा घुमाएंगे और इसमें इसमें डालेंगे डबल क्रोशिया करेंगे इसमें हम, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से ये हमने पांच डबल क्रोशिया किए। अब इसमें हम यहाँ डालेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से हमारे दो फ्लावर बनकर तैयार हो गए। फिर से हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे और इसमें नेक्स्ट में यहाँ पे डालेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे,
एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद इसमें हम इस तरह से घुमाएंगे इसको, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, तीन चार, ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से घुमाएंगे और इसमें यहाँ डालेंगे और इसमें भी हम पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पाँच। इस तरह से हमने अब इसमें नेक्स्ट में डालेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइन कर देंगे, ये हमारे इस तरह से फ्लावर बनकर बनेंगे। इस रो को हम यहाँ तक बनाकर तैयार करते हैं। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। इसमें हमारा एक लास्ट फ्लावर बचा है, इसको हम बनाते हैं। एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे और इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे इसको। इसमें हम पांच डबल क्रोशिया करेंगे, दो तीन चार पाँच, और इसको इस तरह से घुमाएंगे। इस पर डालेंगे इसमें पांच डबल क्रोशिया करेंगे, ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए। इसमें डालेंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। एक चैन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। हमने धागे को कट कर दिया है, इसी के साथ ही ये हमारा ड्रेस बनकर तैयार है। ये बनकर तैयार है। ये आपको कैसा लगा इसका डिज़ाइन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम इस ड्रेस के साथ इसकी मैचिंग हेड बनाएंगे। इसी ड्रेस के साथ बनाएंगे हम जीरो से एक नंबर साइज की। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊन ले लेंगे और इसमें हम इस तरीके से डालेंगे और इसमें हम
एक चैन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद इसमें इसी में डालेंगे हम एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन, ये हमने तीन चैन लिए हैं, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो हमारे पास चार डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हम इसमें बारह डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको हम इस तरीके से खींचेंगे इस धागे को, इसको हमने खींच लिया। अब इसमें हमने यहाँ पर तीन चैन बनाए थे उसी में एक दो और इसमें तीसरे वाले में डालेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइन कर देंगे। इसमें हम एक दो दो चैन लेंगे और नेक्स्ट वाले में डालेंगे इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हैं, एक ही बार में हम इन्हें इस तरह से निकाल देंगे। नेक्स्ट में डालेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, एक ही बार में निकाल देंगे हम इन्हें। नेक्स्ट में इस रो में हम इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं, यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। हमारी ये रो भी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम ये दो चैन लिए थे हमने, इसमें डालेंगे दूसरे वाले में स्लिप स्टिच करेंगे, एक दो तीन चैन बनाएंगे, नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। इस रो में हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को भी हम ऐसे ही बनाकर तैयार करते हैं। ये रो भी बनकर तैयार हो गई है, एक दो और इसमें तीसरे वाले में डालेंगे, स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे और एक चैन लेकर धागे को कट कर देंगे। धागे को कट कर दिया है। अब इसमें हम दूसरे कलर का ऊन लेंगे, इस तरह से इसमें जॉइन कर लेंगे। इसमें हम तीन चैन बनाएंगे, इसी में हम एक बार और बनाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया। इस रो को भी हम डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक बनाकर तैयार करेंगे। इसको ये रो भी बनकर तैयार हो गई हमारी।
और इसमें एक दो तीन, इसमें तीसरे वाले में डालेंगे स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, एक चैन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। इसी के साथ ही ये हमारी हेट बनकर तैयार हो गई है। इस धागे को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इस धागे को हम इस तरह से खींचकर इसके भी इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से इसको निकालेंगे और एक चैन लेंगे और इस धागे को भी कट कर देंगे हम। इस धागे को एडजस्ट कर लिया हमने और इसको इस तरह से ये हमारी हेड बनकर तैयार है। इस तरह से